ये मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह हो गया। ओके, क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक है हमारे पास, एक ब्लॉक है हमारे पास और वो मूविंग प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दिया गया ये इस तरीके से। इसका मास कैपिटल एम और इसका मास स्मॉल एम और फ्रिक्शनलेस सरफेस है दोनों जगह पे, एज वेल एज यहाँ पे, एज वेल एज यहाँ पे, दोनों जगह पे क्या है, फ्रिक्शन कॉफिशियंट ज़ीरो है। तो अगर इसको इस तरीके से यहाँ पे रख दिया और ये जो ब्लॉक है इसको वी वेलोसिटी दे दिया गया, यू वेलोसिटी मान लो, यू वेलोसिटी इसको दे दिया गया, तो पूछा गया कि ये अगर हाइट एच है तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट, वेलोसिटी नहीं स्पीड कर लेते हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रिचेस टू द टॉप। जब ये टॉप तक पहुंच जाएगा इस जगह तक तो इसकी स्पीड कितनी होगी ये निकालना है, सॉल्व करो। ऐसे भी कई क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, फिर दूसरा पार्ट भी हम लोग इसमें करेंगे, पहले इसे करो। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि ये मास को यू वेलोसिटी दे दिया गया और वो ऊपर जाएगा, तो तुम लोगों ने अच्छे तरीके से सॉल्व किया होगा, क्या कर दिया होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया होगा, है ना। तो यू वेलोसिटी से फेंका गया इस डायरेक्शन में, तो स्टार्टिंग में क्या था, सिर्फ और सिर्फ इसके पास मोमेंटम था और इसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जब वो सबसे टॉप मोस्ट पोजिशन पे पहुंच जाएगा तो उस समय मैं बोल सकता हूँ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इनिशियल मोमेंटम था फाइनल मोमेंटम भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उतना ही होना चाहिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा है, इस बात का ध्यान रखना, एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कितना था, ये स्मॉल एम यू इज इक्वल टू, मान लेता हूँ कि अब यह फाइनली वी से मूव कर रहा है, तो दोनों साथ साथ में मूव करेगा क्योंकि कॉन्टैक्ट तो मेंटेन करके रखना है, तो स्मॉल एम इंटू वी, तो इधर से वी कितना निकल के आ गया, डेट इज़ एम यू अपॉन कैपिटल एम प्लस ऑफ स्मॉल एम। अब जिन लोगों ने अभी ये आंसर दिया होगा गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि उसने स्पीड मांगा है, अगर स्पीड मांगा है तो इसकी वेलोसिटी सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं होगी, दो डायरेक्शन में होगी, तो तुम्हें इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा, वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होने वाला है, इसीलिए तो हाइट एच दिया है ताकि तुम वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी वो निकाल पाओ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो तुमने ये निकाल लिया, दैट इज़ वी वाई, सॉरी वी एक्स, तो वी वाई तुम्हें निकालने की ज़रूरत है और फिर स्पीड निकलेगा जो भी है, इसको वी डैश बोल लेता हूँ। तो ये अब वी वाई कितना होगा, क्या करना चाहिए मुझे इसको निकालने के लिए, एनर्जी कंजर्वेशन यस है ना, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन में स्टार्टिंग में जो एनर्जी था हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर था और फाइनली कितना हो जाएगा एनर्जी, हाफ ऑफ एम प्लस कैपिटल एम दोनों मिल करके अब वी से चल रहा है और प्लस इसने कुछ हाइट भी गेन कर लिया है, इसने कुछ हाइट भी गेन किया है, तो एम जी एच ये चीज़ आ गया। अब इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, बराबर वापस से ज्वाइन करो। ओके, तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में
ये प्लस ऐड कर लिया तो इधर से वी वाई निकल जाएगा, और ये मैक्सिमम हाइट वो सब हम लोग निकाल सकते हैं। एक और को इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया कि इस बार वापस से जो ब्लॉक है उसको यू वेलोसिटी दे दिया गया, सारा सिस्टम एज इट इज़ था, और पूछा गया फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द वेज व्हेन द ब्लॉक लीव्स द वेज। हाँ नहीं, इसको इस तरीके से लिखता हूँ, व्हेन द ब्लॉक टचेज द ग्राउंड। ऐसा दे रखा है, ठीक है, सॉल्व करो इसको, ये क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन समझा दो, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आई थिंक तुम लोगों से फिर बन सकता है, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है। बोलो समझ में आया है क्वेश्चन, ये बताओ हाँ सर, समझा। समझ में आ गया, तो क्या करना होगा वो बता दो तुम। सर पहले तो जैसे ही वो ब्लॉक छोड़ देगा उसके बाद हम मोमेंटम कंजर्वेशन एक और बार लगा देंगे तो क्या आवाज़ होगा? नहीं आ रही है तुम्हारी। हेलो हाँ बोलो। सर, वो ये जैसे ही वो ब्लॉक लीव कर देगा वेज को तो उसके बाद हम एक और बार मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो उससे आ जाएगा। सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन से आ जाएगा? हाँ क्योंकि हमें वेज की स्पीड निकालनी है तो एक बार ब्लॉक लीव कर देता है तो उसके बाद ब्लॉक के साथ कुछ भी हो वेज की स्पीड तो कांस्टेंट ही हो जाएगी फिर बाद में। हाँ सर, करके बताओ। हाँ यस सर, हाँ दो वेरिएबल्स आएंगे इसमें, यही तो बात है इस क्वेश्चन का खासियत। चलो मैं करता हूँ, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ये ब्लॉक ऊपर चढ़ेगा और ये चढ़ते 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 ये ब्लॉक फाइनली जो है इस जगह पे पहुँचेगा, और इसके पास दो वेलोसिटीज़ होंगे इस दो डायरेक्शन में, और ये इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन करके नीचे आ रहा होगा तो तुम मुझे बताओ ये जो ब्लॉक है वो वेज पे ही लैंड करेगा या फिर कहीं और लैंड हाँ करेगा? सर, वेज पे ही लैंड करेगा। वेज पे ही लैंड करेगा। और क्यों? क्योंकि इन दोनों की वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम है। क्या इस प्रोसेस में कहीं पे भी एनर्जी लॉस हुआ क्या? नहीं, एनर्जी कंजर्व है अभी भी। तो ये अब क्या करेगा, स्लाइड होकर के इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, और ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, बराबर। तो मैं स्टार्टिंग का इनिशियल मोमेंटम क्या मैं फाइनल मोमेंटम के बराबर बोल सकता हूँ? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस जगह से लेकर के इस जगह तक कोई भी फोर्स नहीं लगा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज स्टिल ज़ीरो, कोई फोर्स नहीं लगा, और कोई भी एक ऐसा सोर्स नहीं है जो कि एनर्जी को विड्रॉ कर रहा है इस सिस्टम से, बराबर है क्या? समझ में आई ये बात? तो इनिशियल मोमेंटम यस कितना था, डेट इज mu, और फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा वो हमें लिखना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में v1 और ये इस डायरेक्शन में लीव कर रहा है तो v2 से लीव कर रहा है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन करा हमने तो ये निकल गया m v1 माइनस ऑफ m v2, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन बना, सिर्फ मैं मोमेंटम कंजर्वेशन करूँगा तो आंसर नहीं आएगा, मुझे दूसरा काम भी करना पड़ेगा, डेट इज़ एनर्जी कंजर्वेशन।
अब मैं यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा। सिस्टम के पास इतना एनर्जी था, हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर, और अब कितना एनर्जी है, हाफ ऑफ कैपिटल एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ स्मॉल एम वी टू स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या? सर वो लैंडिंग वाला बता दीजिए ना, स्मॉल ब्लॉक का। लैंडिंग में मतलब उसी पे लैंड क्यों करेगा, ये पूछ रहे हो क्या? हाँ सर, देखो जब भी तुम ट्रेन में होते हो और एक कॉइन को ऊपर फेंको, तो ट्रेन जितने से मूव कर रहा था तुम भी उतने से ही मूव कर रहे थे, कॉइन भी उतने से मूव कर रहा था। और जब तुम ऊपर फेंकोगे तो वो कॉइन वापस से तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, तुम्हें लगेगा बिल्कुल वर्टिकल मोशन किया है, लेकिन जो भी ग्राउंड पे होगा उसे दे लगेगा कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन किया है। तो बस एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डिफरेंस है और कोई बात नहीं। अगर मैं इसी के ऊपर चढ़ करके बैठ जाऊँ ना तो लगेगा ये ब्लॉक ऊपर गया, ऊपर जा करके फिर नीचे आ करके ऐसे चला गया। ठीक हाँ सर समझ गया। है, तो ये था। सर सेंटर ऑफ मास के में कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को? सर क्या बोल रहे हो? आवाज़ नहीं आ रही है सेंटर तुम्हारी। ऑफ मास के फ्रेम में सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में क्यों करेंगे? अदरवाइज मुझे देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना होगा, फिर दोनों का सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, इतना काम मैं क्यों करूँ? अभी जो दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा उसमें तुम्हें सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाने की ज़रूरत है। क्वेश्चन को सॉल्ट कराया किया जाता है सॉल्व करने के लिए, लॉन्ग नहीं करना है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अब स्प्रिंग मास सिस्टम से क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। क्वेश्चन ऐसा दिया गया कि एक टू सॉरी एम मास का ब्लॉक है और इसको स्प्रिंग से अटैच कर दिया गया। काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है स्प्रिंग मास सिस्टम वाला, और ये भी एम मास है। इसको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दिया गया वी नॉट, और इसको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दिया गया टू वी नॉट, और इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है के। तो पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा ये निकालना है। सॉल्व करोगे या करूं? करो करेंगे। पहला तो ये है कि पहला मेथड ये है कि तुम ये बताओ कि जब मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा तो मैं उसके लिए क्या कंडीशन लगा सकता हूँ। जिस समय मैक्सिमम एक्सटेंशन ब्लॉक होगा का वेलोसिटी 0 तो दोनों का वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बराबर। तभी मैं बोल सकता हूँ कि हाँ सर। क्या होगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना मैक्सिमम एक्सटेंशन का कंडीशन क्या है, जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। उसके बाद फिर मोमेंटम कंजर्वेशन करना है, उसके बाद फिर एनर्जी कंजर्वेशन करना है। तो ये तरीका पहला वाला था। दूसरा तरीका क्या है कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चले जाओ, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल रहा हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, टू वी नॉट इंटू एम प्लस, ये चीज़ माइनस में, और ये एम वी नॉट डिवाइड बाई टोटल मास डेट इज़ टू एम। तो ये कितना आ जा रहा है बोलो, माइनस वी नॉट बाई टू, बराबर। तो ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, और मैं सेंटर ऑफ मास पे जाकर के बैठ गया क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वी नॉट बाई टू है, तो नेट वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी। मैं यहाँ पे जाके बैठूंगा तो मुझे इधर वेलोसिटी देना पड़ेगा वी नॉट बाई टू, तो इधर कितना हो जाएगा टू वी नॉट माइनस ऑफ वी नॉट बाई टू, और इस तरफ कितना हो जाएगा वी नॉट प्लस वी नॉट बाई टू, क्योंकि ये वाला जो है वो इधर लगेगा वो मतलब डायरेक्शन में, और इधर लगेगा डायरेक्शन में। तो फाइनली कितना हो गया,
अब मैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आ चुका हूँ, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हूँ मैं, तो इधर वेलोसिटी हो गई कितनी, 3v0/2, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 3v0/2, बराबर है क्या? अब क्या कर लो, एनर्जी कंजर्वेशन, ये मास एम है और ये मास एम, जब फाइनली दोनों ब्लॉक रुक जाएंगे तभी तो मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, है ना? तो एनर्जी कंजर्वेशन करो, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, प्लस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इधर से एक्स निकाल लो, आंसर आ जाएगा। और दूसरा जो मेथड बताया था मैंने, ये दूसरा मेथड, पहला मेथड जो बताया था उसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा भी ऐसा ही आएगा। हाफ हाफ कैंसिल आउट कर लो, देखो कितना आ जाएगा, एम सर। हाँ बोलो सर, आपने पहले मेथड में क्या बताए थे, बता सकते हो प्लीज? अरे सॉल्व ही करके बता देता हूँ ना, रुको एक मिनट, के एक्स स्क्वायर, ठीक है देख लो स्क्वायर से ही कराया ना मैंने, 9 और 9, तो ये 2 हो जाएगा नीचे, ठीक है क्या? अब देखो हाँ सर, फर्स्ट मेथड क्या बताया था मैंने, फर्स्ट मेथड में बोला कि ये तब तक स्ट्रेच होते रहेगा जब तक कि दोनों की वेलोसिटी सेम ना हो जाए, तो दोनों की वेलोसिटी मैंने मान ली कि सेम हो गया वी, तो मोमेंटम कंजर्वेशन कर लेता हूँ, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल, इनिशियल कितना था, -2mv0 प्लस ऑफ एम वी नॉट इज इक्वल्स टू 2mv, तो इधर से v कितना निकल कर आ गया, माइनस ऑफ v0/2। अब क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन में क्या करना होगा, स्टार्टिंग में क्या एनर्जी थी और अब कितनी एनर्जी बची, स्टार्टिंग में एनर्जी थी हाफ ऑफ m 2v0 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m v0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब एनर्जी हो चुकी है दोनों ब्लॉक की v0/2, तो हाफ ऑफ 2m v0/2 का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो भी स्प्रिंग में, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ हाफ कैंसिल आउट कर लो हर एक जगह से, तो ये अब कितना आ जाएगा, m4v0² प्लस m v0² सही है, और माइनस इस तरफ लेकर के आओ इसको, कितना आ जाएगा ये, m v0² / 2, कितना आ रहा है ये बोलो, अरे कितना आ रहा है, 9 m v0 / 2 यार, क्या यही आ रहा है आंसर? ठीक है, यस सर। हाँ तो दोनों मेथड से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास वाला मेथड मैंने क्यों बताया, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन करूँगा उसमें ये मेथड अप्लाई नहीं कर पाओगे फर्स्ट वाला। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन सर, सेंटर ऑफ मास वाले मेथड में आपने वो VCM निकालने के बाद क्या किया था, जरूर से बताएं। मैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चला गया और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में दोनों ब्लॉक की वेलोसिटीज निकाल ली, ठीक है, फिर दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी आ गई, फिर मैंने एनर्जी कंजर्वेशन कर दिया, स्टार्टिंग में इतनी एनर्जी है, फाइनली रुकेगा तभी तो मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, और ये भी रुक गया, तो इसने इतना एक्सटेंशन करा, इसने इतना, इतना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि ये ब्लॉक है एम मास का और ये भी ब्लॉक है एम मास का, सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में था, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे था, स्प्रिंग कांस्टेंट के, इस पे अचानक से एफ फोर्स लगना स्टार्ट हो गया, तो पूछा गया ब्लॉक में कितना, स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा, फाइंड द मैक्सिमम
एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग निकालो। यही दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जनरली। अब इसमें फोर्स भी ज़्यादा ज़्यादा लगा दिया जाएगा, एक दो नहीं, एक दूसरे वाले ब्लॉक पे भी लगा दिया जाएगा, तो काम वैसा ही रहेगा। इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा कि हमें जो सिस्टम दे रखा है, सिस्टम पहले मैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चला देता हूँ सिस्टम के, ठीक है। तो दो इसको मैं फर्स्ट बोल लेता हूँ, इसको सेकंड बोल लेता हूँ। तो फर्स्ट का एक्सलोरेशन कितना होगा? ज़ीरो। सेकंड का एक्सलोरेशन कितना होगा? एफ बाई एम। और सेंटर ऑफ मास का एक्सलोरेशन कितना होगा? सेंटर ऑफ मास का जो एक्सलोरेशन होगा डेट विल बी एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू अपॉन एम वन प्लस ऑफ एम टू। तो कितना हो जाएगा ये? ज़ीरो प्लस एफ डिवाइडेड बाय टू एम, सो दिस विल बी एफ डिवाइडेड बाय टू एम। तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया। अब मैं सेंटर ऑफ मास पे जा कर के बैठ गया विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे जा कर के बैठा, और क्योंकि सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में कितने से जा रहा है? ए सी एम से जा रहा है, विच इज़ एफ बाई टू एम। तो सभी की एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? ये इस डायरेक्शन में जा रहा था ए टू से, और ये किधर भी नहीं जा रहा था। तो मैं विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास गया हूँ, तो इसको ज़ीरो करने के लिए इस तरफ ए सी एम डालूंगा, तो इस पर भी ए सी एम इधर आएगा, और इस पर भी एक वेक्टर ए सी एम इधर आएगा। नेट कितना हो जाएगा? नेट हो जाएगा इस डायरेक्शन में इस पे एक्सेलरेशन विच इज़ बोलो एफ बाई टू एम, और ये स्प्रिंग, और ये इस पे इस डायरेक्शन में विच इज़ ए टू। ए टू कितना है? एफ बाई एम माइनस ऑफ एफ बाई टू एम, दैट कम्स आउट टू बी एफ बाई टू एम। दिस इज़ द फाइनल फोर्स जो कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में लग रहा है। अब इसको तुम दो तरीके से कर सकते हो, एस एच एम वाले शॉर्ट ट्रिक मेथड से कर सकते हो, जिसमें कि तुम नेट इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल लो कितना है, एक्स पोजीशन आ गया डिस्टेंस, और उसको टू से मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि वो जस्ट उसका डबल हुआ इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। दूसरा काम एनर्जी कंजर्वेशन पे कर सकते हैं। ये मैक्सिमम अगर इस लोकेशन तक गया है, इस पोजिशन तक गया है, तो ये भी इस पोजिशन तक जाएगा ऐसे करके, बराबर। तो डब्ल्यू आल इज इक्वल्स टू डेल्टा के ही लगा दो। वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज तो जीरो होने वाला है, इनिशियली यहाँ पे भी जीरो था और यहाँ पे भी रुकेगा ही ब्लॉक, तो जीरो हो जाएगा। और मान लो कि ये डिस्टेंस है एक्स, बराबर, और ये डिस्टेंस भी एक्स है, तो कितना हो जाएगा वर्क? एक होगा एफ इस फोर्स के कारण से, और दूसरा किसके कारण से होगा? स्प्रिंग फोर्स के कारण से। उन दोनों का वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लो और फिर आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या या नहीं आया? सर, इनिशियल वेलोसिटी जीरो कैसे होगा? क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है ना पूरा सिस्टम। सिस्टम अच्छा हाँ तो रेस्ट में सर, ही हम था ना, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से लिए करे थे ना। तो सेंटर ऑफ मास का फ्रेम भी रेस्ट पे था। जब दोनों ब्लॉक रेस्ट पे है तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे है, ठीक है। हाँ सर, हाँ चलो, तो इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब जिसका मॉडिफाइड वर्जन क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ मैं, सॉल्व नहीं करूँगा। ये एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और ये एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है। इधर से एक बुलेट आया जिसका मास एम ले लो, और यू स्पीड से इसमें जा करके टक्कर खाया और जा करके एम्बेड हो गया। तो पूछा गया कि मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग में कितना होगा, निकाल सकते हैं क्या? बोलो, निकाल सकते हैं या नहीं? पहले क्या करना पड़ेगा? हाँ यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। हाँ डायरेक्ट पूरा मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या? नहीं बिल्कुल लगा सकते हैं। फाइनल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एक बार में निकाल लेंगे हम, ठीक है। या फिर तुम मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे लगा लो एक बार, फिर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालो।
तो सर आप डिपेंड करता सिस्टम मतलब वो दो ब्लॉक के बात कर रहे थे पूरा, क्या जो मैं स्प्रिंग से पूरा जुड़ा है? पूरा पूरा सिस्टम में लगा अच्छा लूंगा मैं, पूरे में भी हाँ लगा सर, रखा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स नहीं लग रहा है। क्या मैं इस सिस्टम यहाँ पे और ये फाइनल सिस्टम जो बनेगा एम्बेड होकर के और फाइनल कंप्रेशन हो चुका होगा 2 M mass और M mass, ये फाइनल सिस्टम और इनिशियल में एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ क्या? बोलो जल्दी से, लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता। क्यों नहीं नहीं लगा लगा सकते? सकते मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगा लिया, एनर्जी कंजर्वेशन क्यों नहीं लगा सकते हैं? इसमें सर, मोमेंटम भी कहीं कंजर्व जब रहेगा, इससे हीट ऑफ करेगा तो एनर्जी लॉस होगा। लेकिन यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। देखो मोमेंटम कंजर्वेशन सिर्फ फोर्स की बातें करता है कि नेट फोर्स सिस्टम पे हमेशा जीरो होना चाहिए, जो कि ट्रू है, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन बताता है कि किसी भी तरह का लॉस नहीं होना चाहिए। इंटरनल फोर्सेस है तो इक्वल एंड अपोजिट होंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन कर लेंगे, लेकिन अगर इंटरनल फोर्सेस हैं तो वो नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकता है, सच एज फ्रिक्शन, और वो एनर्जी को कंज्यूम करेगा, हीट में कन्वर्ट कर देगा, तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन नहीं कर पाऊंगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन करना मुझे कहाँ से कहाँ तक है? पहले ये मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, करने के बाद फिर 2 M mass बनेगा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आने के बाद ये ज़ीरो होगा उस समय, और अब ये सिस्टम जो होगा इसमें और इसमें एनर्जी कंजर्वेशन किया जा सकता है, और मोमेंटम तो कर ही सकते हैं, एनर्जी भी कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ हो गया क्वेश्चन। ओके हाँ, इम्पल्स समझते हैं क्या है। जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा, इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स दो चीज़ें होते हैं। अगर कोई भी फोर्स काफ़ी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लग रहा है तो उसे हम लोग इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। जैसे कि एक बॉल है, इस बॉल को मैंने यहाँ से ड्रॉप कर दिया, तो ये नीचे जाएगा 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 और टक्कर खाएगा। जब ग्राउंड से टक्कर खा रहा होगा तो वो ग्राउंड के साथ जब कॉन्टैक्ट में रहता है वो काफ़ी छोटे टाइम के लिए रहता है, तो वो जो नॉर्मल फोर्सेस लग रहे होंगे इसके ऊपर वो फोर्सेस कैसे होंगे? इम्पल्सिव होंगे। और सॉरी, तो ये ग्राउंड के कारण से बॉल के ऊपर इम्पल्सिव फोर्स लगा और बॉल के कारण से ग्राउंड पे भी इम्पल्सिव फोर्स है। तो दिस बोथ फोर्सेस आर इम्पल्सिव फोर्सेस, लेकिन अगर सिस्टम में पूरा का पूरा ऐसा ले लो तो दोनों इम्पल्सिव फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये कैंसिल आउट भी हो सकते हैं। तो ध्यान रहे, इम्पल्सिव फोर्स अगर इंटरनल है आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो एक्सटर्नल बन गया तो फिर हमें इम्पल्स की तरह उसको देखना पड़ेगा। तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? इम्पल्स को हम लोग I से डिनोट करेंगे, एंड इम्पल्स इज बेसिकली इक्वल्स टू द चेंज इन मोमेंटम, जिसको इस तरीके से लिखा जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ FdT इज इक्वल्स टू डेल्टा P, ये फॉर्मूला होता है। और F क्या है यहाँ पे? इम्पल्सिव फोर्स। आई क्या है यहाँ पे? इम्पल्स। डेल्टा पी क्या है? चेंज इन मोमेंटम। एंड dt इज द स्मॉल टाइम जो जिसके लिए वो कांटेक्ट में था। अगर मैं मान लूँ कि पूरे ड्यूरेशन में इस पे जो नॉर्मल लगता रहा वो ऑन एन एवरेज n लगा, तो मैं इंटीग्रेशन ndt करूँगा और n को बाहर निकाल सकता हूँ, और ऑन एन एवरेज n डेल्टा t लिखा जा सकता है। सो इम्पल्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू n डेल्टा t। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी दे दिया जाएगा, n को f लिख लो, मन में आया क्या? और अगर मैं इसको डेल्टा p के बराबर लिख ही रहा हूँ, तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल्टा p बाय डेल्टा t, ये वही चीज़ है, f इज इक्वल्स टू dp बाय dt वाली बात है। ठीक है, तो ये सब तुम लोग को पता ही होगा। आगे चलते हैं, अगर इसका मैं ग्राफ को प्लॉट करूँ, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो जिस समय कांटेक्ट होता है उस समय जो फोर्स लगता है काफ़ी ज़्यादा मैग्नीट्यूड में लगता है और फिर अचानक से कट जाता है।
तो इसका जो एरिया होता है एफ टी कर्व का एरिया, वो क्या देता है, चेंज इन मोमेंटम एंड दैट इज़ बेसिकली इम्पल्स। क्लियर है क्या? तो इस पर बेसिक बेसिक क्वेश्चंस वगैरह हो सकते हैं, कि जैसे हम लोगों ने एस सी वी का क्वेश्चन किया था जिसमें बोल रखा था कि फोटोन था वो थीटा एंगल पे फॉल कर रहा था, तो बताओ कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ। तो वो चेंज इन मोमेंटम क्या है, बेसिकली इम्पल्स। और एक स्टोन वाला भी करा था, बॉल गिर रहा है, स्टोन गिर रहा है, और 2000 है ना, क्या क्या कितना था, 100 मीटर स्क्वायर में कितने नंबर फॉल करेंगे तो रिबाउंड करेंगे। दिस वाज आल्सो द क्वेश्चन ऑफ इम्पल्स। और इसमें रेडिएशन प्रेशर जब हम लोग पढ़ेंगे वेव इसमें मॉडर्न फिजिक्स में, तो वहाँ पे भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे और वहाँ से इम्पल्स से फोर्स निकालते हैं हम लोग। सर बोलो। सर आपने वो इंटीग्रेशन से एन बाहर निकाला, उसका उसका क्या रीजन बताया था आपने? एवरेज मान लिया कि पूरे ड्यूरेशन में एवरेज फोर्स लगा, बहुत बार क्वेश्चन में दिया जाता है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बताया। तो तुम्हें हाँ ऐसे नहीं कि सर, अचानक के क्वेश्चन में दिख दिया ये कैसे निकल गया बाहर, होता तो हमेशा वेरिएबल ही है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होता है। ओके, तो जैसे कि एक स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग से एक बॉल इस तरह से हैंग कर रहा है, और ये एक बॉल इधर से आया वी वेलोसिटी से और जाकर के इसको टक्कर खाया, तो इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कौन कौन से फोर्सेस इम्पल्सिव होगा हमें ये निकालना है, 1 एंड 2 है। तो जिस समय ये टक्कर खा रहा होगा उस समय इन दोनों के कांटेक्ट होने के कारण से नॉर्मल लग रहा होगा इस डायरेक्शन में और इस पे इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर लग रहा होगा टेंशन, नीचे लग रहा होगा एम जी, और कोई फोर्सेस लगेंगे क्या, बोलो। नहीं, नहीं तो एन इसमें इम्पल्सिव है या नहीं? छोटे वाले पे एमजी लगे हमें इम्पल्सिव है, टेंशन इम्पल्सिव है या नहीं? नहीं नहीं, नॉन इम्पल्सिव। एम जी इम्पल्सिव है या नहीं? नहीं, नो ये सर भी इम्पल्सिव नो सर नहीं है हमारा। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में क्या हुआ, रस्सी इसी तरीके से था और बॉल इस तरीके से सर आया और टक्कर खाया। इस वाले केस में एफबीडी बना ऐसा, नॉर्मल इस तरफ लग रहा होगा एक, और इस बॉल के ऊपर नॉर्मल इधर लग रहा होगा, 1 एंड 2, टेंशन ऊपर लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा एम जी। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था क्या? हाँ सर, सर हमको कैसे पता कि वो नॉर्मल जो लग रहा है वो पल्सिव, क्योंकि वो जो फोर्स मतलब लगा वो दोनों कांटेक्ट बॉल में, साथ में स्टे वो स्ट्रिंग के साथ थोड़ी दूर तक भी तो जा सकते बोला कि वो जो कांटेक्ट है वो काफ़ी थोड़े थे से टाइम के लिए, काफ़ी कम ड्यूरेशन के लिए होगा, तो उस इंस्टेंट की बात हो रही है हमेशा, उस इंस्टेंट पे टेंशन इम्पल्सिव नहीं होगा, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। ठीक है, उस इंस्टेंट, हमेशा जब भी ओके एफबीडी ड्रॉ करते हैं तो उस इंस्टेंट की बात करते हैं। चलो सेकंड केस में बताओ, नॉर्मल इम्पल्सिव होगा या नहीं? होगा नॉर्मल इम्पल्सिव सर, होगा, टेंशन इम्पल्सिव होगा कि नहीं? होगा। होगा एम जी इम्पल्सिव होगा कि नहीं? नहीं नॉन इम्पल्सिव। एम जी कभी भी इम्पल्सिव नहीं होता, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो कभी भी इम्पल्सिव इन नेचर हो ही नहीं सकता है। तो जैसे मैं बात करूँ फ्रिक्शन का, वो इम्पल्सिव इन नेचर हो सकता है कि नहीं? हाँ सर हाँ, वो इम्पल्सिव इन नेचर हो हाँ सर सकता है। क्यों? क्योंकि एफ इज इक्वल होता है म्यू इंटू एन। जब नॉर्मल इम्पल्सिव हो सकता है तो उसके साथ म्यू मल्टीप्लाई कर लो, तो फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव इन नेचर हो सकता है। स्प्रिंग फोर्स इम्पल्सिव कभी हो सकता है या नहीं हो सकता है?
बोलो, कभी स्प्रिंग फोर्स इंपल्सिव हो सकता है या नहीं? कभी नहीं हो सकता नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो के इंटू एक्स होता है। ना तो तुम्हारा के अचानक से बढ़ सकता है और ना ही एक्स तुम्हारा अचानक से बढ़ सकता है। एक्स को बढ़ने के लिए टाइम चाहिए होगा, तो स्प्रिंग फोर्स भी कभी भी इंपल्सिव नहीं हो सकता है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मैं अभी बता दे रहा हूँ, मोमेंटम कंजर्वेशन उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम लोग तभी कर सकते हैं अगर फोर्सेस इंपल्सिव ना हो। तो अगर इंपल्सिव है तो उस इंस्टेंट पे भी नहीं कर पाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन में देखा होगा कि दो बॉल हवा में टक्कर खाया फिर भी मोमेंटम कंजर्वेशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी तो लग रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स तो है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों किया? क्योंकि ये जो फोर्सेस हैं काफ़ी ज़्यादा छोटा है विथ रेस्पेक्ट टू द इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स बहुत बड़ा होता है, उसके रेस्पेक्ट में काफ़ी छोटा है। और अगर मैं काफ़ी छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम के लिए बोलूँगा तो ये जो चेंज होगा मोमेंटम में वो काफ़ी नेग्लिजिबल होगा, जिसके कारण से हम लोग बोलते हैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मोमेंटम कंजर्वेशन किया जा सकता है। बात समझ में आई क्या? चलो अब आगे बढ़ते हैं। कोलिजन, सर, आपने स्प्रिंग वाले का क्या बोला था? स्प्रिंग फोर्स कभी भी अचानक से नहीं बढ़ सकता, इन द सेंस कि वो कभी भी इंपल्सिव नहीं हो सकता। क्यों? के का वैल्यू कभी हमेशा कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हो सकता है। एक्स का वैल्यू अचानक से 1 मीटर से बढ़ करके 1000 मीटर नहीं हो सकता है 1 मिली सेकेंड में। हो सकता है क्या? इसीलिए स्प्रिंग फोर्स कभी भी इम्पल्सिव नहीं हो सकता। सर वो आपने एक पॉइंट अभी बताया था कि हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं उस कोलिजन के टाइम पे, तो कैसे कर सकते हैं? एक बार वापस एक्सप्लेन करिए ना। देखो, बस दिमाग में इतना सा याद रखो, अगर फोर्स प्रेजेंट है तो कैसा फोर्स है? इम्पल्सिव फोर्स है या नॉन इम्पल्सिव है? अगर नॉन इम्पल्सिव है तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कर सकते हैं, पूरे ड्यूरेशन के लिए नहीं कर सकते। बस इतना सा याद रखना, एम जी फोर्स, के एक्स फोर्स, ये सारे कैसे फोर्सेस हैं? नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर एक क्वेश्चन किया जिसमें बोला कि ये जो बुलेट है जाकर के स्ट्राइक किया और टक्कर खाने के बाद इसमें एम्बेड हो जाएगा, तो क्या यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं किया गया? किया मैंने, है ना, स्प्रिंग तो है यहाँ पे, फिर भी क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे स्प्रिंग के कारण से एक्सटर्नल जो होगा वो नॉन इम्पल्सिव होगा। हालांकि यहाँ पे तो एक्सटेंशन नहीं है, जीरो है फोर्स, लेकिन फिर भी अगर एक्सटेंशन होता तो भी मैं मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकता था। जैसे कि किसी भी बॉल को फेंका ऊपर की डायरेक्शन में और यहाँ पे बॉल टक्कर खाया दूसरे बॉल से, तो वो लगेगा कि यहाँ पे वेलोसिटी दोनों बॉल का अब कितना होगा वो निकालो। तो इस जगह पे मैं मोमेंटम कंजर्वेशन कर लूँगा, एक्सटर्नल फोर्स 2 mg लग रहा है फिर भी, क्योंकि ये 2 mg इतना बड़ा फोर्स नहीं है, इतने छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगेगा, तो मोमेंटम में चेंज नहीं कराएगा वो बहुत ज़्यादा। हाँ, यस सर समझा। कोलिजन, तो कोलिजन किसको बोलते हैं? जब कोई भी दो पार्टिकल एक दूसरे को टक्कर खाएगा या फिर उसकी वेलोसिटीज चेंज होगी तो मैं उसको कोलिजन बोलूँगा, है ना। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, रिवीजन कर रहे हैं अपन लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन क्या क्या हो सकता है? देखो, कोलिजन को बेसिकली दो तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वे में डिफाइन किया जा सकता है। एक तो कोलिजन कैसा है ना, दो होता है, एक हेड ऑन कोलिजन और एक ऑब्लिक कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन और एक कैसा होता है? ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन कैसा होता है और हेड ऑन कोलिजन कैसा होता है पता है क्या? ऑफकोर्स होना चाहिए। हेड ऑन में क्या होता है, दोनों बिल्कुल आमने सामने से टक्कर करते हैं, और आमने सामने से टक्कर किया तो दोनों जो आ रहे थे उसके वेलोसिटीज
के डायरेक्शन को लाइन ऑफ मोशन कहा जाता है। अगर ये वी से जा रहा था और ये ऐसे करके आ रहा था, तो ये जो लाइन है इसे कहा जाता है लाइन ऑफ मोशन। और जब टक्कर खाया तो नॉर्मल किधर लगेगा, कांटेक्ट कहाँ पे हुआ, यहाँ पे कांटेक्ट हुआ। उसको अगर तुम ज्वाइन कर दोगे एक लाइन से तो इसे बोला जाता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो ये दोनों जब लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट कॉन्साइड करते हैं तब हम लोग हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं। और ऑब्लिक के लिए ऑफ कोर्स इन दोनों के बीच का कुछ एंगल होना चाहिए, मतलब कि ये बॉल इस तरफ जा रहा था और ये बॉल इस तरफ आ रहा था और दोनों टक्कर खाया। तो जब टक्कर खाएगा तो उस समय जो कांटेक्ट होगा वो ऐसा होगा। तो नॉर्मल किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, तो इसे बोला जाएगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट और इसे बोला जाएगा लाइन ऑफ मोशन। दीज आर लाइन ऑफ मोशन। तो देखो इन दोनों के बीच में एंगल है, लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बीच का एंगल है कुछ कुछ, तो इसीलिए हम लोग इसको ऑब्लिक कोलिजन बोलते हैं। और कोलिजन को अगर मैं एनर्जी के बेसिस से क्लासिफाई करूँ तो तीन तरह के एनर्जी कोलिजन्स हो सकते हैं। पहला इलास्टिक कोलिजन है ना, दूसरा इनइलास्टिक कोलिजन, और तीसरा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, बराबर। ई क्या होता है हमारा, कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इंस्टीट्यूशन कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और ई का वैल्यू क्या होता है इलास्टिक कोलिजन के लिए, इलास्टिक कोलिजन के लिए का वैल्यू 1, वन और इनइलास्टिक के लिए 0 से 1 के बीच में, और बेटू परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए ई जीरो जीरो 0 होता है ना। तो इसके लिए हम लोग यही याद करके रखेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए कि दोनों चिपक जाता है, काइंड ऑफ ऐसा। इनिशियली कितने भी वेलोसिटी से जा रहा हो, फाइनली दोनों ब्लॉक चिपक जाएंगे या दोनों बॉल चिपक जाएंगे और फिर साथ में चलेगा। और इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि एनर्जी का लॉस बिल्कुल नहीं होगा, लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 0। इसीलिए ऐसे टाइप के कोलिजन को हम लोग इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। इनइलास्टिक कोलिजन में लॉस होगा, और थर्ड जो हम लोग देख रहे हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इसमें एनर्जी का लॉस सबसे मैक्सिमम होगा। तो लॉस ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम, और इसमें कितना लॉस होगा, इसमें लॉस होगा थोड़ा सा लेकिन मैक्सिमम नहीं होगा और 0 नहीं होगा। एनर्जी जो लॉस होगा वो इसके बीच में होगा, 0 से ज़्यादा लेकिन मैक्स वैल्यू से कम, इन दोनों के बीच में। तो ये हमारा हो गया कोलिजन के अलग अलग तरीके। और ये जो हमने अभी बोला कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं बताओ जरा सा। ई को क्या लिखते हैं हम लोग, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल रिलेटिव ये वेलोसिटी। डिराइव्ड फार्मूला है, जी ये डिराइव्ड फार्मूला है, तुमने जो बताया ना ये डिराइव्ड फार्मूला है। सर इम्पल्स, तो इनिशियल चेंज फाइनल चेंज अपॉन नहीं, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, ऑफ रिफॉर्मेशन। हाँ, अपॉन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। जी और इसी फॉर्मूले से हम लोग वो फॉर्मूला निकालते हैं जो कि तुम लोगों ने बताया अभी। E इज इक्वल्स टू
वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच हो रहा है इसका मतलब इनिशियल कंडीशन की बात है, सेपरेट कर रहा है मतलब कोलिजन हो चुका है तो फाइनल कंडीशन की बात है, जिसको ऐसे ऐसे लिख कैसे भी लिखते हैं। अभी तो मैं सारे कंडीशन बताऊंगा कैसे अप्रोच हो रहा है और कैसे सेपरेट हो रहा है। क्लियर है क्या इसमें? कोई किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नहीं हाँ तो क्वेश्चन करते हैं। ये एक बॉल है जिसका मास m है, और ये दूसरा बॉल है जो कि रेस्ट पे रखा हुआ था, और ये जो बॉल है वो u से आ रहा था और ये रेस्ट पे, तो ये क्या करेगा? कोलिजन करेगा। तो कोलिजन करने के बाद ऐसा हो जाएगा, ये बॉल कुछ अलग वेलोसिटी से जाने लगेंगे और ये बॉल कुछ अलग वेलोसिटी से जाने लगेंगे, वी वन एंड वी टू से। इसमें जो दिया गया कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई, वो दिया गया है 1/2। ठीक है, ये 1/2 दिया गया। तो क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम, ऐसा करते हैं इज इक्वल्स टू 1 लेता हूँ अभी, फिर दूसरा करेंगे। फाइंड द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ड्यूरिंग कोलिजन, निकालो। ऑल्सो फाइंड वी वन एंड वी टू। सॉल्व करो इसको। इसको देखो, इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, इसमें तीन चीज़ें निकालने हैं हम लोगों को, ये एक, दो और ये तीन। तो जिस समय ये कोलिजन हो रहा होगा उस समय क्या हो जाएगा, ये दोनों बॉल टक्कर खाएंगे, तो एक और दूसरा बॉल थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगा, बराबर दोनों बॉल डिफॉर्म हो जाएंगे, और उस समय क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो मुझे वो पूछा है कि डिफॉर्मेशन में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुआ है वो कितना होगा। ठीक है, तो क्योंकि अभी कोलिजन हो रहा है तो दोनों की जो वेलोसिटी होगी वो कॉमन होगी, तो यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी जो मिली मुझे वो कॉमन मिली, इसको मैं मान लेता हूँ कि वी है। तो ये फर्स्ट सिस्टम बोल देता हूँ, ये सेकेंड सिस्टम और ये थर्ड सिस्टम बोल देता हूँ। तो पहला मैं मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करता हूँ फर्स्ट एंड सेकेंड वाले में, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम एम 2 mv, सो वी इज इक्वल्स टू u/2, ये वेलोसिटी आया। अब दूसरा मैं कर लेता हूँ कि 1 एंड 2 में एनर्जी कंजर्वेशन, जितना भी एनर्जी कम हुआ होगा काइनेटिक एनर्जी का वो किस में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में। सो पोटेंशियल एनर्जी जो आया है डेट विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, सॉरी इनिशियल माइनस ऑफ फाइनल, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर, और फाइनल कितना, हाफ ऑफ दोनों कॉमन से चल रहा है वेलोसिटी से, और वी स्क्वायर है, वी कितना, u/2, कितना आ जाएगा ये, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ, कैंसिल आउट, और बाहर निकल जाएगा 1/4।
पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर हुआ डेट इज 1/4 एम यू स्क्वायर। वो अलग बात है कि जितना भी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ वापस से काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तभी तो इलास्टिक कोलिजन बोला गया, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। तो ये फर्स्ट वाला निकल गया। दूसरा निकालना है कि ऑल्सो फाइंड वी वन एंड वी टू। तो वी वन एंड वी टू तो निकालना आसान है, मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे वन एंड थर्ड में। तो मैं डायरेक्ट मोमेंटम कंजर्वेशन वन एंड थर्ड में लगा देता हूँ। तो स्टार्टिंग में कितना हो जाएगा, एम यू इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम दैट इज एम वी वन प्लस ऑफ एम वी टू। बताओ एम एम कैंसिल आउट, यू इज इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कैसे निकलेगा, ई से ई इज इक्वल्स टू वन है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितने से सेपरेट कर रहा है फाइनल सिचुएशन पे, वी टू माइनस ऑफ वी वन। अप्रोच कितने से कर रहा था, यू से, तो दूसरा इक्वेशन बन गया यू इज इक्वल्स टू वी टू माइनस ऑफ वी वन। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। और जैसे ही सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से ही पता चल जाता है और तुम्हें भी पता ही होगा कि वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, वी टू विल बी यू एंड वी वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। समझ में आया क्या? Awesome. अब लास्ट क्या पूछा है, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। तो इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन किस पे निकालना है, बॉल वन पे या बॉल टू पे? चलो टू वाले पे निकाल लेते हैं। तो टू वाले पे इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होता है, बोलो। इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन से टू में जितना मोमेंटम का चेंज आया उसका डिफरेंस। इम्पल्स बेसिकली निकालना है डिफॉर्मेशन के टाइम पे इम्पल्स कितना लगा सेकेंड वाले बॉल पे। तो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है वो, इंटीग्रेशन एन डी टी विल बी इक्वल्स टू डेल्टा पी होगा विच इज पी फाइनल माइनस ऑफ पी इनिशियल। अगर मैं इनिशियल कंडीशन की बात करूँ तो इसका मोमेंटम कितना था, ज़ीरो, क्योंकि रेस्ट पे रखा हुआ था। और जब टक्कर खाया तो कॉमन u by 2 वेलोसिटी से जा रहा था, तो उस समय मोमेंटम आ जाएगा m u by 2 माइनस ऑफ 0। तो आंसर आ जाएगा m u by 2 इंटीग्रेशन एन डी टी। सो दिस इज इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। क्लियर है सबको? तो ये सब चीज तो ऐसे क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन का और बता दीजिए ना, डिस्कनेक्ट हो गया था हमारा। इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन में मैंने ये बोला, अब क्योंकि नॉर्मल जो है उन दोनों बॉल पे इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है, तो डेट मींस इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, सॉरी, या इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन जो होगा दोनों बॉल पे मैग्नीट्यूड में सेम होगा, बस अपोजिट इन डायरेक्शन होगा, मतलब नेगेटिव साइन लग जाएगा एक पे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। ऑब्लिक कोलिजन के क्वेश्चन, जिसमें कि ये बॉल है और ये वी वेलोसिटी से जा रहा है एम मास का। पहले एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं फिर अच्छे क्वेश्चन करेंगे। और ये दूसरा बॉल है जिसका मास 2m है, दोनों का रेडियस r है, ये भी r और ये भी r। E इज इक्वल्स टू 1/2 दे रखा है। तो पूछा गया कोलिजन के बाद दोनों बॉल की कितनी वेलोसिटी होगी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ईच बॉल आफ्टर कोलिजन। सॉल्व करो इसको। सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, हम लोग को
लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड लाइन ऑफ मोशन बनाना पड़ता है, बराबर। तो मैं जनरली जिस तरीके से करता हूँ उसमें एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ जो कि हमारा लाइन ऑफ मोशन होता है, और क्योंकि यहाँ पे मासेस दो हैं तो मैं दो लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, एक मूव कर रहा और एक नहीं मूव कर रहा, ऐसा। और मास को मैं पॉइंट से डिनोट करता हूँ, ये जो मास जब इस तरीके से टक्कर खाएगा या फिर कांटेक्ट में आएगा तो ये कुछ ऐसा ज्योमेट्री बनाएगा, और जब ये इस टाइप का ज्योमेट्री बनाएगा तो कितना एंगल होगा थीटा वो हम लोग निकाल सकते हैं। दिस इज़ 2 आर, दिस इज़ आर, है ना। साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर बाई 2 आर, तो थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो दिस इज़ लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो ये एक लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, ये हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट, यहाँ पे मास एम रखा हुआ है और इस जगह पे भी मास एम रखा हुआ है, और ये कितने से जा रहा है, वी से जा रहा है एट एन एंगल थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। इधर आ जाएगा वी कॉस थीटा और इधर आएगा वी साइन थीटा। जब कोलिजन कर लेगा तो कोलिजन करने के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में तो अनअफेक्टेड रहेगी, विच विल बी वी साइन थीटा। सर वो नीचे वाला मास 2m रहेगा ना। ओके हाँ 2m है, तो नीचे वाला 2m, ठीक है। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में कुछ होगी और इस डायरेक्शन में कुछ होगी, तो इसको मैं v1 बोल लेता हूँ और v2 बोल लेता हूँ। ऑलवेज इसी तरीके से अज्यूम करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि साइन का काफ़ी इशू होता है, कुछ सोचना नहीं है कि तो टक्कर खाएगा तो जाएगा किधर, सोचना नहीं है, बस डायरेक्टली अज्यूम कर लो। तो अब मोमेंटम कंजर्वेशन सिर्फ लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, तो कितना आ जाएगा, एम वी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी वन प्लस 2m v2। मास कैंसिल आउट, कितना आ गया ये, वी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वी वन प्लस 2v2। दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन मुझे कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से निकालना है, जिसमें एक वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लगाना है, लेकिन ये जो वेलोसिटीज होंगे वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग होना चाहिए दोनों। तो देखो फाइनल सिचुएशन पे दोनों सेपरेट कर रहा है, तो कितने से सेपरेट कर रहा है, वी टू माइनस वी वन से। अप्रोच कितने से कर रहा था, वी कॉस थीटा से, वी कॉस थीटा, बराबर। तो मेरा एक और इक्वेशन बन गया, वी टू माइनस ऑफ वी वन इज इक्वल्स टू वी कॉस थीटा डिवाइड बाई टू। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड। दोनों को क्या कर लेना चाहिए, ऐड कर लेना चाहिए, आ जाएगा ना। सो 3v2 इज इक्वल्स टू 3v कॉस थीटा बाई टू, सही है ना, देख लो कुछ गलत नहीं होना चाहिए। और v2 इज इक्वल्स टू वी कॉस थीटा डिवाइड बाई टू, ये मेरा v2 आ गया। सो v1 कितना हो जाएगा, तो वी वन विल बी इक्वल्स टू वी बाय रूट, जीरो जीरो आ गया ना। हाँ हाँ ठीक है, ये इस तरीके से। तो एक स्पेशल केस ऐसा निकल गया कि वेलोसिटीज एक्सचेंज होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ई इक्वल्स टू 1/2 है, ध्यान देना, एक्सचेंज हुआ वेलोसिटी लेकिन इज इक्वल्स टू 1/2। ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं है, हर एक केस में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जो स्पेशल केस होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं वेलोसिटीज एक्सचेंज होता है, वो कब होता है, जब दोनों का मास आइडेंटिकल हो और हेड ऑन कोलिजन कर रहा हो, तो दोनों के वेलोसिटीज़ क्या हो जाते हैं,
एक्सचेंज हो जाते हैं, लेकिन अगर ऑब्लिक कोलिजन होगा तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में वेलोसिटीज एक्सचेंज होते हैं। और वेलोसिटी इनिशियल जीरो हो मतलब किसी एक बॉल का, तो फिर परपेंडिकुलर मूव करते हैं। ये सारे कंडीशंस होते हैं। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम इसमें। सर आखिरी वाला क्या बताया आपने? लास्ट वाला बोला कि अगर ये बॉल वी से या यू से मूव कर रहा हो और दूसरा वाला जो बॉल है ऑब्लिक कोलिजन में वो रेस्ट पे हो, तब कोलिजन के बाद परपेंडिकुलर मूव करते हैं, क्योंकि वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन का। उसका ये वाला वेलोसिटी इसके पास आ जाएगा, परपेंडिकुलर वाला रह जाएगा, तो परपेंडिकुलर मूव करने लग जाते हैं दोनों। बराबर यस सर। है ना, कैरम बोर्ड वगैरह खेलते हैं ना अपन, कैरम खेलते हैं तो क्या करते हैं, कुछ इस हाँ तरीके से स्ट्राइकर को पुट करते हैं ताकि वो इस जगह पे अटैक करे। समझ में आया क्या? चलो ओके, तो हाँ नेक्स्ट सर। क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाँ इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। मान लो कि एक स्मॉल मास का बॉल यू वेलोसिटी से इधर आ रहा था और एक हैवी वॉल दीवार जिसका मास काफ़ी ज़्यादा है स्मॉल एम से, वो इस डायरेक्शन में आ रहा था वी से, और वो टक्कर खाया। तो पूछा गया फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल। जल्दी से आंसर निकाल के बताओ। देखो तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसका मास जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो ये जब टक्कर खाएगा टक्कर खाने के बाद भी इसकी वेलोसिटी जो होगी अनअफेक्टेड रहेगी, अभी भी उतनी वेलोसिटी रहेगी। और ये टक्कर खाने के बाद मान लेता हूँ कि एक्स से जाने लग गया, तो मुझे एक्स निकालना पड़ेगा। तो मैं अब क्या कर लूँगा इसमें, मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम यू प्लस ऑफ कैपिटल एम यू, इस टाइप से बोलोगे है ना, इज इक्वल टू। अगर मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग कर रहे हैं, देखना ध्यान से इसको समझना, क्योंकि अगर मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं तो हम लोग को इस तरीके से लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू एम एक्स, और वो माइनस साइन ले लेता हूँ मैं, नेगेटिव डायरेक्शन है, माइनस ऑफ कैपिटल एम इंटू वी, ये वी से है, ये वी से है, और ये एक्स से गया। तो मुझे अगर एक्स निकालना है तो इधर से क्या करना पड़ेगा, ये दोनों जो है वेलोसिटीज़, तुमने जैसे ही बोला कि उसकी वेलोसिटीज़ अनअफेक्टेड रहेगी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर तुम यहाँ से निकालोगे क्या, एक्स तो यू आ जाएगा, तो ये गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें नहीं करना है क्वेश्चन को। तो करना क्या पड़ेगा, इस क्वेश्चन के लिए एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि कोलिजन कैसा है। लेट्स से कि ई इज इक्वल्स टू वन है, तो जैसे ही तुम्हें कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे दिया जाएगा ई इज इक्वल्स टू वन, तो मैं यहाँ पे अब बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये क्या होना चाहिए, इक्वल, क्योंकि ये वन है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितने से हो रहा है, वी और एक्स को बताओ कितना हो गया, एक्स ज़्यादा होगा, हाँ और अप्रोच कितने से कर रहा था, यू प्लस वी से, यू प्लस वी से। यू प्लस वी से। मान लेता हूँ कि ई तुम्हें ई ही गया गिवेन है, वन नहीं गिवेन है, तो जनरल इक्वेशन क्या निकलता हमारा, ई इंटू यू प्लस वी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ऑफ वी। सो एक्स इज इक्वल्स टू वी प्लस ई यू प्लस ई वी है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ई यू प्लस ई प्लस वन इंटू वी। सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द कोलिजन। और अगर ई इज इक्वल टू वन गिवन है तो एक्स कितना हो जाएगा, ई प्लस टू वी। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे, तो तुम्हें समझना है। दूसरा सर चीज़ हमारा एजम्पशन था ना कि एक्स ग्रेटर है प्लस टू भी होगा क्या,
क्या चीज़, हमारा एजम्पशन क्या था, कि मतलब एक्स ग्रेटर देन वी है। अच्छा एक्स कहाँ बताया मैंने, मैंने बताया कैपिटल एम इज ग्रेटर, एक्स नहीं सर, एक्स को हम कैपिटल वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिख रहे थे ना, यहाँ पे, हाँ इस जगह पे बोलो, तो एक्स को मैंने क्या बोला, ज़्यादा होगा वी से, क्यों ज़्यादा होगा, कभी ऐसा हुआ क्या कि ये बॉल आया कोलिजन करा टक्कर खाया वापस से ये अब इधर मूव कर रहा है और वापस से ये बॉल जाकर के फिर से टक्कर खाया, फिर से टक्कर खाया, फिर से नहीं ऐसा नहीं ऐसा पॉसिबल है नहीं क्या, हो सकता, तो डेट नहीं सर। मीन्स एक्स को वी से तो बड़ा होना ही पड़ेगा, एक ही कोलिजन होता है। हाँ सर, हाँ अगर तुमने वी माइनस एक्स लिखा तो आंसर गलत आएगा, तो इस चीज़ों का ध्यान रखना, तो ये हमारा एक्स आ जाएगा। दूसरा चीज़ इसमें ये है कि मान लो कि वो जो वॉल है वो मूव नहीं कर रहा होता, अगर मूव नहीं कर रहा होता तो वी कितना हो जाता है इसका, ज़ीरो, और ये सिर्फ यू से आ रहा होता, तो यहाँ पे वी ज़ीरो पुट कर लो तो एक्स कितना हो जाएगा, यू के बराबर, मतलब जितने से आया उतने से ही रिबाउंड होकर के चला गया, इलास्टिक कोलिजन जिसको हम लोग बोलते हैं, ई इज इक्वल्स टू वन एंड वी इज इक्वल्स टू ज़ीरो है। तो अब लेट से ई है और वी ज़ीरो है तो क्या हो जाएगा, एक्स ई टाइम्स ऑफ यू, ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, जब भी कोई भी हार्ड बाउंड्री से टक्कर खाएगा बॉल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें कॉफिशियंट ऑफ रेसिट्यूशन ई है तो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ई टाइम्स ऑफ यू, और इसी का एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में होगा। क्वेश्चन बोला गया कि एक बॉल है जिसको एच हाइट से ड्रॉप कर दिया गया, आई थिंक ऐसे भी का क्वेश्चन है ये, एच हाइट से ड्रॉप किया गया, रेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया, तो पूछा गया फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट विल कम टू रेस्ट, ठीक है, कितने टाइम के बाद ये बॉल रेस्ट पे आ जाएगा, मुझे ये निकालना है, और इसमें कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे दिया गया है ई, ई का वैल्यू 1/2 हम लोग ले लेंगे बाद में, ये एच है, जनरल तरीके से करते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर, तो इसका मोशन कैसा होगा, ध्यान दो ये जाएगा नीचे, टक्कर खाने के बाद इसकी वेलोसिटी अब कम हो जाएगी, उस हाइट तक नहीं पहुंचेगी, फिर ये नीचे आएगा, फिर टक्कर खाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर टक्कर खाएगा, फिर आएगा, फिर ऐसे ऐसे करके ये बाउंस करते रहेगा, और कितनी बार टक्कर खाएगा, इनफाइनाइट टाइम्स, और फाइनली वो जा करके स्टॉप हो जाएगा, मतलब तुम्हें ये सारे टाइम को ऐड करना है, इनफाइनाइट टाइम्स, क्वेश्चन कराया गया ये, अरे बोलो हाँ सॉल्व सर, सॉल्व किया है ये कि नहीं किया है, हाँ ऐसा किया किस तरीके से किया है कोई बताओ, अगर किया है तो मैं इसमें दो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तुम लोग को, पहला शॉर्ट ट्रिक ये है, जब भी बॉल यू वेलोसिटी से आ रहा है वी वेलोसिटी से आ रहा है और इसका कॉफिशियंट ऑफ रेसिट्यूशन ई है तो टक्कर खाने के बाद इसकी वेलोसिटी ई टाइम्स हो जाएगी, जिस डायरेक्शन में कोलिजन हुआ है उस डायरेक्शन में ई टाइम्स होगा। दूसरा चीज़, अगर कोई बॉल को एच हाइट से ड्रॉप किया गया है तो कॉफिशियंट ऑफ रेसिट्यूशन ई है तो हमें पता है उतने हाइट तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन ये कितना हाइट तक पहुंचेगा, ई स्क्वायर टाइम्स एच, इतने हाइट तक पहुंचेगा, तो ये दो शॉर्ट ट्रिक है याद रखना है, पहला ई टाइम्स वेलोसिटी हो जाता है, दूसरा जो हाइट अटेन कर पाता है वो हमारा ई स्क्वायर टाइम्स होता है। कैसे आता है, तुम चाहो तो यहाँ से निकाल लो, ई टाइम्स ऑफ वी हो गया तो तुम कितना हाइट ऊपर पहुँचेगा उसे निकाल सकते हो, कैसे बोलो कैसे आता है, एच इज इक्वल्स टू क्या होता है, यू स्क्वायर बाई टू जी, हाँ एच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय टू जी, तो हाँ यू का वैल्यू पुट कर लो, ई वी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय टू जी, ये एच डैश निकला है और वो एच कितना था, वो एच इतना था, अब इसका वैल्यू पुट कर लो,
तुम्हें एच डैश जो पता चलेगा वो ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ एच आ जाएगा। खैर ये चीज़ तुम लोगों को पता होगा। तो अगर आगे अब हम लोग करें टाइम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले इस टाइम को निकालना है, फिर ये जो टाइम है दो बार रिपीट हुआ है, एक और दो, तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे, ये टाइम दो से रिपीट हुआ, और ऐसे ऐसे करके एक इनफाइनाइट सीरीज बनेगा। तो टाइम देखते हैं, टोटल टाइम विल बी इक्वल्स टू ये टाइम कितना, रूट अंडर ऑफ 2h/g प्लस ये टाइम कितना, रूट अंडर ऑफ 2h/g, और h कितना होगा इस बार, h डैश डिवाइड बाय जी प्लस दो टाइम है तो 2 से मल्टीप्लाई करा है मैंने, रूट अंडर ऑफ 2h" / g प्लस अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट टाइम चलते जाएगा। अब h डैश का वैल्यू कितना है, ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ h, और h" का कितना वैल्यू होगा, ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ h डैश विच इज़ ई रेज टू पावर 4 into h। समझ में आया क्या, तो रूट अंडर ऑफ 2h/g प्लस 2 रूट अंडर ऑफ 2h का वैल्यू ई स्क्वायर इंटू एच डिवाइडेड बाय जी प्लस ए का टू पावर 4 h² होगा ना, ई की पावर 4h डिवाइडेड बाय जी प्लस 2 √ ऑफ 2e^6 होगा इस बार डिवाइडेड बाय जी अप टू सो ऑन। अब देखो इधर से कुछ चीज़ें कॉमन आ जाएगी और तुम बाहर निकालो, 2h/g प्लस 2 कॉमन ले लो, रूट अंडर ऑफ 2h/g कॉमन ले लो, और कुछ कॉमन आ रहा है, ई स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, इधर से निकलेगा ई, सॉरी ई बाहर आ जाएगा और इधर आ जाएगा ई स्क्वायर, है ना, इधर आ जाएगा ई क्यूब, तो ई कॉमन ले लो, 1 + e + e² प्लस अप टू सो ऑन इनफाइनाइट टाइम्स। अब ये इनफाइनाइट सीरीज का तुम लोग फॉर्मूला लिख सकते हो। आंसर आ गया क्या, समझ में आया या नहीं? आ गया सर। हाँ सर, 2 टाइम्स कैसे आया स्टार्टिंग में? सर दो दो टाइम है ना, एक बार ऊपर जाने का टाइम है और एक बार नीचे आने का टाइम है, समझ में आया क्या? हाँ, यस सर, इस वाले में सिर्फ नीचे आने का टाइम था, उसको ऐड करा था। ठीक है, फिर आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। एक टॉपिक बच गया है हमारा, दैट इज़ वेरिएबल मास सिस्टम, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और कुछ अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे इधर रोक के। तो बाकी और SCV के कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं जो मैं पोस्ट कर दूंगा, उसे तुम लोग कर लेना, फिर अपन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यस सर, यस सर। ओके।